हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने हमारी पिछली दो वीडियोस में देख लिया कि भाषा से और संबंधित जो भी कंटेंट हो सकता है, जो भी उससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और जो हमारा बेस है, ध्यान रखिएगा, जो केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है, उसी के आधार पर ये वीडियोज आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि के बारे में अगर हम जाने, ठीक है, तो जैसे कि आपको तो मोटी मोटी चीजें पता ही हैं कि भारत भारत जो भारतीय संघ है, उन्होंने राजभाषा के रूप में जो हिंदी भाषा को जो स्वीकार किया गया था और कहा था कि जो इसकी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ देवनागरी लिपि है, ठीक है, याद रखते हैं। जो हमारे जो भाषा जिसको हम बातचीत करते हैं, लिखते हैं, वो देवनागरी लिपि है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, पर मैं बोला जो हिंदी की देवनागरी लिपि ही उसकी एक स्क्रिप्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखें, हम लिपि के बारे में जानेंगे और लिपि के गुणों के बारे में जानेंगे और मानक देवनागरी वर्णमाला क्या होती है ये भी आपको बताएंगे, और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कैसे हुआ है अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में, वो भी आपको बताएंगे, और लास्ट में आपको मिलेगा 1 से 100 तक की गिनतियां किस तरह से प्रश्न, क्योंकि प्रश्न पत्र में आता है कि 35 लिख कर दिखाइए, ठीक है, ऑप्शन ए और बी सी दे देगा, उसमें आपको 35 लिखना पड़ेगा, ठीक, 84, 92, ये सब आपको, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे ना भ्रष्ट हो चुके हैं। भ्रष्ट कैसे हो चुके हैं, क्योंकि हम अपनी बोलचाल के हिसाब से बोलते हैं तो वैसे ही लिख देते हैं, बट देवनागरी की बात करेंगे जब देवनागरी के संबंध में, तो मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि जिस मैंने आपको बता दिया है कि मान्यता प्राप्त है इसको, ठीक है, भारतीय संघ में, और वर्तमान में इसको जैसे ऐसे पढ़ता है ना, कि वर्तमान में केवल हिंदी ही नहीं बल्कि संस्कृत, पाली और मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली और तमिल भाषा, ठीक है, ये भी नेपाल से संबंधित है, और गढ़वाली, बोडो, अंगिका छत्तीसगढ़ के आसपास, मगही बिहार के आसपास, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, ये सभी भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है, वो देवनागरी लिपि है, ये आप लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इससे पहले आपने प्रश्न में देखे होंगे, एक दिन में से 3 या 4 ही नाम आपने सुने होंगे, पर यहाँ पर आपने, क्योंकि कंटेंट वीडियो बना रहे हैं, तो कोशिश ये करें कुछ भी ना छूटे और आपको उसको बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आए। आगे बढ़ते, तो इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, ध्यान दीजिएगा, गुजराती, पंजाबी और बिष्णुपुरी या मणिपुरी, रोमानी, ठीक है, उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। इनके अलावा ये तो है ही, और इनके अलावा इनका भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय की मांग है उसके हिसाब से भाषा में परिवर्तन निरंतर रूप से देखा जा रहा है। और जानते हैं इसके बारे में, अधिकतर भाषाओं की अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ, ये इसका बायां पक्ष है, ठीक है, और ये इसका दायां, ठीक, बी बी से बायां और डी से दायां, ऐसे लिखा है मैंने रोमन में। तो ये जो देवनागरी की सबसे अच्छी बात यह है कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और क्या है इसके बारे में, प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खिंची होती है, कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं होती, कुछ वर्ण होते हैं उनके ऊपर रेखा नहीं होती, इसे शिरोरेखा कहते हैं, ये आप लिख लीजिए, ठीक। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा शिरोरेखा क्या होती है, तो बेटा ये जो हमारा, ये जो इसका ऊपर का जो टॉप जो बेस होता है, किसी भी शब्द को लिखने के बाद हम जो ऐसे लाइन कर देते हैं, जैसे आपने जब शुरुआत में जब आपने पेंसिल पकड़ी होगी तो आपको ये इस तरह की लाइन को सिखाई होंगी, ठीक है ना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन, तो उनमें से ये जो स्लीपिंग लाइन है आपको हिंदी के शब्द लिखने में मदद करती है, उन्हीं को हम अगर अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी की भाषा में, तो उसको बोलते हैं हम शिरोरेखा। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है, याद रखना, ध्वन्यात्मक लिपि का मतलब क्या हुआ, यह ध्वनि पर आधारित है, ठीक है ना, ध्वनि पर आधारित है, ध्वन्यात्मक, ठीक। जो प्रचलित लिपियों जैसे रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं, यानी कि जो देवनागरी लिपि है उसकी, उससे संबंधित
और भी ऐसी लिपियां हैं जो उससे संबंधित मतलब कुछ कुछ में मिलता जुलता होगा, शब्दों का या बनावट का हो सकता है, ठीक है, जैसे बांग्ला, गुजराती और गुरुमुखी। देवनागरी लिपि के गुण क्या क्या है देख लीजिए, ठीक है। पहला क्या है, एक ध्वनि और एक सांकेतिक चिन्ह, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ध्वनि बोली, जैसे मान लीजिए मैंने बोला क, तो आपने एक ध्वनि निकाली, ठीक, और आपने ध्वनि का एक उसको चिन्ह दे दिया, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गई एक ध्वनि और ये उसी का हो गया सांकेतिक चिन्ह, क्लियर है। और इसी का अगर रिवर्स कर दे, तो पहले आपने सांकेतिक चिन्ह लिख दिया और उसको बोलते क्या है क, ऐसा नहीं है कि उसको हमने खा बोल देंगे, समझ रहे मेरी बात। तो हर एक ध्वनि का एक फिक्स क्या है, चिन्ह है, इसलिए इसको ध्वन्यात्मक लिपि बोलते हैं, ठीक। आगे देखो, स्वर और व्यंजन में तर्क संगत और वैज्ञानिक क्रम विन्यास होता है, ठीक है। स्वर और व्यंजन जो भी आपके स्वर हैं, कितने हैं, 11, ठीक, और उनमें क्या होता है, एक तर्क संगत वैज्ञानिक क्रम विन्यास है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे जब कोई भी जो हमारा जो व्यंजन हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने यही लिखा, तो इसके अंदर भी स्वर का स्थान है, ठीक है, ये वैज्ञानिक क्रम विन्यास है, इसके बिना इसको बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप स्वर तो बोल सकते हैं, पर ये स्वर रहित आप व्यंजन कोई भी वर्ण नहीं बोल पाएंगे। आगे क्या कहते हैं, वर्णों की पूर्णता एवं संपन्नता 52, ठीक है ना, 52 वर्ण, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, ठीक है ना। अब देखिये हिंदी में तो मात्र 52 है, अगर आप चाइनीज की बात करें, चीनी भाषा, जो कि आपको पता है कि विश्व में सबसे सर्वाधिक बोली जाती है, ठीक है ना, चीनी भाषा, इसका पीछे रीजन ये है कि जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो चीन की ही है, इसलिए वहां के लोगों की एक भाषा है, याद रखना, ठीक है, इसीलिए ये उनकी राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना, हमारी कोई ऐसी भाषा नहीं है, इसीलिए हम लोगों को राजभाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि वहां पे जो चीनी भाषा है, आप वहां देखेंगे लगभग 5000 से ज्यादा, ठीक है ना, उनके जो ध्वनि चिन्ह है, जो साउंड साइंस है ना, ठीक, वो 5000 से ज्यादा है, ठीक है ना, आपने देखा ना इस तरह से वो कुत्ता ने क्या क्या जैसे लिखते हैं, उनके लगभग 5000, हमारे तो फिर भी हिंदी में 52 है और इंग्लिश में तो और आधे हैं, केवल 26 में ही काम चला लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, उच्चारण और लेखन में एक रूपता, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जैसे बोला, ठीक, और वैसे ही उसको लिख डाल ना, उच्चारण जैसे बोला और वैसे ही उसको लिखना, ऐसा नहीं है कि आपने बोला कुछ और लिख कुछ और दिया, जैसे कि दो अन्य भाषाओं में हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसके गुण हो सकते हैं। उच्चारण स्पष्टता, मतलब इतनी स्पष्ट होती है देवनागरी की उच्चारण स्पष्टता, अगर मैं सिंपल से आपके लिए शब्द बोलूं कि बच्चे लिखिए अलवर, तो आपको देखेंगे कि आपने बिल्कुल एकदम कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई कोई शब्द हमारा दब ही नहीं रहा है, हर एक शब्द को आप अलग अलग इंपॉर्टेंस के साथ में उसको पढ़ने पा रहे हैं, ये देवनागरी लिपि में होता है। मुद्रण, लेखन और मुद्रण में एक रूपता, रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित मुद्रित रूप अलग अलग है, ठीक है ना, वही बात अभी जो पीछे गए कि जो लेखन में और जो प्रिंटेड है वो एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे हिंदी में कुछ और, जैसे मान लीजिए, ठीक है, रोमन की बात करें, यानी कि इंग्लिश शब्द की अगर कोई बात करें, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला ये वाला शब्द नाइट, अब मैं इंग्लिश रोमन में तो बोल रहा हूं उसको नाइट, ठीक, आप देख रहे हैं मेरी बात, पर अगर देखें आपको तो हो तो ये कैसे शुरू रहा है, तो रोमन के हिसाब से ये हमारा क्या है, साइलेंट है, ठीक है ना, इस पे हमारी कोई ध्वनि नहीं है, हमारी ध्वनि कहां से शुरू हो रही है, ना से शुरू हो रही है, नाइट से, ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, अलग अलग होते हैं ये, पर अगर हम देवनागरी के रूप की बात करें तो जो शब्द जैसे बोला जा रहा है वैसे ही लिखा जाता है, और देवनागरी लिपि सर्वाधिक ध्वनि चिन्हों को व्यक्त करती है, ये भी ठीक है। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, जैसे रोमन अक्षर में बी और ध्वनि में बी बा, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, रोमन में जो होगा वही हमारा ध्वनि बी हो जाएगी, ठीक है ना, हमने बोला अ, हमने लिख दिया अ, है ना, हमने बोल जैसे मान लिया हमने लिख दिया अमेरिका, ठीक, अब आप देखेंगे अमेरिका हमने इंग्लिश में ऐसे लिखा सिंपल, ठीक, तो अब ये देखिए यहाँ पर जो एक एक शब्द का जो भी उच्चारण हुआ है उसके हिसाब से हमने देवनागरी में भी लिख दिया है, समझ रहे हैं मेरी बात। आगे देखिए, मात्राओं का प्रयोग होता है, ठीक है, और देवनागरी में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण होता है,
जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना बेटा, लिखो अलवर, जब आप अलवर लिखेंगे तो हर एक शब्द का उच्चारण हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कि जो देवनागरी के रूप से जो हमारी हिंदी की वर्णमाला, आप सभी रूपी परिचित हैं उससे, ठीक है ना, बट उसको थोड़ा सा अलग तरह से जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी मानक देवनागरी की वर्णमाला है उसमें देखेंगे कि जो भी हमारे ये स्वर है, ठीक है ना, ये स्वर हमारे कितने होते हैं, याद रखेंगे 11 होते हैं। ठीक, तो उसके ये सब हमारे क्या है, ये ध्वनि चिन्ह है, याद रखना, ये सब ध्वनि चिन्ह है, जिसकी जैसी मात्रा आए उसको वैसे ही लगा दिया जाता है। अनुस्वार में आपको पता ही है, इसमें एक लिखा है, बिंदी नहीं आई है, और एक क्या हो जाएगा हमारा, चंद्र बिंदी, चंद्र बिंदी। अनुस्वार अनुनासिक, विसर्ग में आपको पता है कि ये अ लग जाता है, ठीक है। और ये सारे व्यंजन है आपके, व्यंजन आपको याद रखने हैं कैसे, क च ट प, ठीक है ना, क च ट प, इसमें ता लिखना शायद भूल गया हूँ, क च ट ता, एक ता वर्ग भी है, ठीक है। और अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व, उष्म स श ष ह, आगत औ औ, ठीक है ना, ये जो आता है हमारा ये वाला, इस वो डॉक्टर वाला, ठीक, तो ये आता है हमारा आगत व्यंजन, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये अरेबिक है, क ख ग ज फ, नुक्ता वाले जो भी होते हैं अरेबिक वर्ड। और ये संयुक्त व्यंजन आपके सामने है, छ त्र और ग्र, ज्ञ, सॉरी। तो ये थे हमारे हिंदी की वर्णमाला जो कि मानकीकृत है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं हम किस पे, हम हिंदी वर्तनी का मानकीकरण देखते हैं कि हिंदी में जो वर्तनी लिखी जाती है उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। आपको जैसे एक तरह से हम बात करेंगे कि स्पेलिंग को आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आप उसको मतलब लंबे समय तक उसको गलत ना कर पाए। तो होता ना कि बच्चे मतलब हम स्पेलिंग बनाए कैसे, तो बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। तो पहले जानते हैं कि संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। तो संयुक्त वर्ण के अंदर सबसे पहले आता है खड़ी पाए वाले व्यंजन। खड़ी पाए वाले व्यंजन क्या होते हैं, परिभाषा देखेंगे इसकी। खड़ी पाए वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाए। जैसे कि देखिए, इसमें से खड़ी पाए सब में से हटा रखी है, चाहे वो ख्याति हो, लग्न हो, है ना। खड़ी पाई मतलब जैसे कि ये है, ये खड़ी पाई, तो इसको हमने हटा दिया तभी तो ये लग्न बना। ऐसे ही आप सभी शब्दों को देखेंगे तो उनमें से किसी ना किसी की जो खड़ी पाई है, जैसे धोनी का देखिए, जो धोनी का ये खड़ी पाई है, ये वाला ये हमने हटा दिया, तो इसलिए हमारा ये धोनी बन गया, धोनी, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए खड़ी पाई वाले व्यंजन। याद रखना कि उनको हटाकर ही बनाई जाती है तभी वो खड़ी पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे देखिए, अन्य व्यंजन क्या होते हैं। अब अन्य व्यंजनों में आ जाते हैं, ठीक है ना, क और फ, एक में नुक्ता है, ठीक है, आपको छोटा दिख रहा होगा पर इसमें नुक्ता है, जैसे दफ्तर में होता है। तो संयुक्त पक्का दफ्तर आदि की तरह बनाए जाए, ना कि संयुक्त, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये हल्का सा एक मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, मैं इसमें इसको ठीक कर देता हूँ कि यहाँ पर जो शब्द लिखना चाहिए था, ठीक है, ये ठीक है आपका संयुक्त पक्का और दफ्तर, ठीक है, बट एज इट इज प्रिंट टाइप करते समय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर ये शब्द जो है वो इस तरह का है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। पक्का लिखने के लिए मैं का के नीचे का नहीं, यानी कि देखिए, मान लीजिए आपको अगर पक्का लिखना है तो ऐसा नहीं है कि आप इसके नीचे इस तरह से लिख के काम चलाएंगे, ये हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। अभी और नीचे आपको बताऊंगा तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और ऐसे ही फा वाला कंसेप्ट, ठीक है, फा में भी अगर कोई ऐसा शब्द है जैसे कि दफ्तर है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो दफ्तर लिखेंगे तो इसमें आप इसको इस तरह से लिख दें, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए अंग 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 सुना है अपना, क ख ग घ अंग, छ ट र ड द और ह के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह, ठीक, लगाकर ही बनाए जाएं, ठीक है ना। जब इनको जोड़ेंगे तो आपको हल चिन्ह लगाना ही लगाना है, ये मैंडेटरी है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो यानी कि आपका गड़बड़ हो जाएगी।
याद रखना, ठीक है ना। जैसे कि इधर देखिए सारे जो एग्जाम्पल हैं, वांग में लट्टू, बुड्ढा, विद्या और चिन्ह और ब्रह्मा, ये सभी शब्द हमारे ठीक हैं, ठीक है ना। और मिस्टेक क्या है इसमें, ये सब हमारे दोबारा से वही कॉपी हो गया, ठीक है। मिस्टेक कैसे करते हैं इसमें, इसमें जो मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए मैं लट्टू को बताता हूँ, इसमें ऐसे कर देते हैं, ठीक, ये गलत है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने विद्या लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। एक आपने इसके अंदर ना जोड़ दिया, ये भी गलत है, ठीक। और ऐसे ही ब्रह्मा में, ब्रह्मा में कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, ये भी गलत है। तो आप देखिए हलंत जहां पर है वहीं पर लगाए जाएं, यहाँ पे हा के नीचे हलंत है, ठीक है ना। तो ये सब बाकी शब्द जो है ये सही नहीं है, ऐसे नहीं लिखने, ठीक है ना। तो जो हलंत वाले हैं उनको हलंत की जगह पे लगाना ही है, और देखेंगे कि वर्तनी बनाने के लिए और नियम क्या हो सकते हैं। तो अगला है, संयुक्त रा के प्रचलित तीनों रूपों यथावत रहेंगे। जो तीन रूप होते हैं रा के, जो प्रकार में इस्तेमाल किया, धर्म में इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय में इस्तेमाल किया, वो एज इट इज रहेंगे, उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, समझ गए। आप ऐसा नहीं है कि आपने इसको इस तरह से लिख देंगे, राइट, ये रोंग हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। या आप इसको ऐसे लिख देंगे ध्रम, ठीक। तो हर एक रा की अपनी अपनी एक पहचान है, उसको उसी के साथ में जोड़ के लिखेंगे। आगे देखेंगे, श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, यानी कि जो श्र जैसे लिखा जाता है उसको वैसे ही लिखेंगे, यही मान्य है, ठीक है। और त प्लस र के लिए त्र, ना कि और त्र, एक होता है देखिए ये वाला भी त्र आपने कहीं देखा हो, जो कि जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा है ना, तो जब हम इसको ऐसी तरह से लिखेंगे तो देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, बट ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिख नहीं पाया ये शब्द, क्योंकि टाइपिंग में नहीं आया, इसलिए मैंने उसको त्र लिखा है। त्र का मतलब है यही वाला, ठीक। तो इस तरह का जो त्र आता है ये गलत है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो परंपरागत एक ही शब्द है, एक ही अक्षर है, ठीक है ना, क्या है, ये वाला त्रिशूल वाला। शिरा और त्रा के अतिरिक्त अन्य व्यंजन रा के संयुक्ताक्षर बनेंगे, ठीक है ना। त्रा और शिरा के अतिरिक्त अन्य व्यंजन, इन दोनों के अतिरिक्त जो भी अंजन व्यंजन होंगे जो रा के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना, वो कैसे बन जाएंगे, देखिए क्र, प्र, ब्रे, त्रे और हृ, ठीक। अब देखिए आगे बात करते हैं हम हलचिन्ह की। आप जिसको बचपन से बोलते आ रहे होंगे हलंत, एक्चुअली वो हलंत संस्कृत में बोलते हैं, पर हिंदी में इसका शब्द है हल, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते भी गड़बड़ कर देते हैं। तो हल चिन्ह क्या होते हैं आपको पता ही, जो नीचे की तरफ हल्का सा हम लगा देते हैं। युक्त वर्ण बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, ना कि पूरे युग्म से पूर्व। जैसे कि कुटिम, चिट्ठिया, द्वितीय, बुद्धिमान, चिन्हित आदि, ठीक है जी। तो आपको जो लिखना है, ठीक है ना, वो याद रखना कि जब दो वर्ण एक साथ, मैं इसको हटाता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ, कि जब दो व्यंजन एक साथ आए, जैसे कि देखिए ट आ रहा है, ठीक है, ट ठा रहा है, द व आ रहा है, ठीक, और द ध आ रहा है और ह न आ रहा है। जब दो व्यंजन एक साथ आए तो याद रखना कि जो वो लगेगा हमारा ई की मात्रा लगेगी, ठीक, ई की जो मात्रा लगेगी वो अगले से पहले लगेगी, ठीक। कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कुट्टिम, चिट्ठियां द्वितीय, तो कुट्टिम को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, जो इसका अर्थ ना पूरे युग्म से पूर्व, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए एक के पूर्व लिखना है, यानी कि इससे पूर्व लिखना है। अगला देखिए, संयुक्ताक्षर बनाने के नियम के अनुसार ड छ ट ठ ड ड द ह
में हल चिन्ह का प्रयोग ही होता है। अभी ऊपर भी आपको मैंने बताया था पहले, जैसे देखिए चिन्ह, बुड्ढा, विद्वान आदि में, है ना, इनमें आपको हल चिन्ह ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको अगर इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसको इसको इस तरह से लिख देते हैं जैसे कि इसमें ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो ग्रामेटिकल रूप से गलत है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको रखना है, इनमें आपको हल चिन्ह ही लगाकर शब्दों को लिखना है, तभी आपकी वर्तनी ठीक होगी। अगला देखेंगे कि कारक चिन्ह में कैसे इस्तेमाल होता है। कारक चिन्ह आपको पता ही है ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ठीक है, ये आपको तो बिल्कुल नोटबुक में लिख लो और उसको बार बार ही देखते रहा करें। तो कारक चिन्ह में क्या है, देखिए हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार की संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से पृथक लिखे जाए, अलग से लिखे जाए, पृथक मतलब अलग करके लिखना, ठीक, सेपरेट, पृथक मतलब सेपरेट। जैसे कि राम ने राम को राम से, स्त्री का स्त्री से, सेवा में आदि, सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिपादक के साथ मिलाकर लिखे जाए। याद रखना है ना, यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है कि वर्तनी में कारक चिन्ह को किस तरह से लिखा जाता है संज्ञा में, तो संज्ञा में लिखा जाता है अलग करके और सर्वनाम में लिखा जाता है एक साथ मिलाकर। जैसे कि तू ने, आप ने, तुम से, उस ने, तो आप देखेंगे पहले सर्वनाम आ रहा है और उसके बाद कारक चिन्ह आ रहा है। बेटा बहुत डीप पढ़ा रहे हैं आपको ताकि ताकि आपको बिल्कुल ही परेशानी ना हो चीजों को समझने के लिए। कैसे प्रश्न बनता है आपको धीरे धीरे बता भी रहे हैं और उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए ना नोट्स आप बनाते रहे। देखिए उस से, अब देखिए उस से जो शब्द है ना कहां से आया, इसमें उस तो हो गया आपका सर्वनाम और से बन गया आपका कारक चिन्ह, तभी हमारा एक वर्ड बन गया। आगे बढ़े, और सर्वनाम के साथ कैसे, यदि दो कारक सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक करके, यानी कि दो अगर कारक चिन्ह आ जाते हैं कैसे, जैसे कि देखो शब्द है उसके लिए, तो देखिए क्या आ गया, उस जमा के जमा लिए, ठीक। तो इधर देखेंगे, इधर हमने दो तो एक साथ लिख दिए, ठीक, तो दो को तो पहला मिलाकर लिख देंगे और इसको दूसरे वाले को हम क्या कर देंगे, पृथक कर देंगे, अलग करके देंगे, इसमें से, तो इस में और से, आ रहा है समझ। चलिए आगे देखिए, ऐसे ही सर्वनाम और कारक चिन्ह के बीच ही, तक आदि का निपात हो तो कारक चिन्ह को पृथक लिखा जाए, जैसे कि आप ही के लिए, मुझ तक को, ठीक है, यानी कि जब बीच में आपके ही जैसे शब्द आए, तक जैसे शब्द आए, तो देखिए ये है आपका सर्वनाम और ये आपका हो गया कारक चिन्ह, तो इसको अलग करने के लिए, ठीक है ना, इनको अलग करने के लिए हमने बीच में क्या लगा दिया, ही लगा दिया, इनको हम जोड़ेंगे नहीं, पृथक करके ही लिखेंगे सभी को। और क्रियापद क्या होता है, देखिए संयुक्त क्रिया पदों में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं, जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमा करेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि। तो ये सभी में देखेंगे आपने जो क्रिया है वो हमने अलग करके हमने पदों से लिखी, और ये इनका नियम भी है। आगे देखते हैं क्रियापद, जानते हैं कि क्रियापद क्या होता है, संयुक्त क्रिया पदों में सभी, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, हाइफन जानते हैं, हाइफन के आपने बारे में सुना होगा, योजक चिन्ह बोलते हैं जब भी शब्दों में इस तरह का डैश आ जाता है, ठीक। तो क्या है, देखो हाइफन चिन्ह विधान स्पष्टता के लिए किया गया है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, जैसे कि राम लक्ष्मण, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना आदि, ठीक है ना। और जैसे सा कहां पे होगा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे तुम सा, राम जैसा, चाकू से तीखे, तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट है लिख लो, ठीक। जैसे कि राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्रामवासी और आत्महत्या आदि जैसे शब्द, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है।
आगे बढ़ते हैं। अब अव्यय जानते हैं कि अव्यय होता क्या है। अव्यय को इंग्लिश में बोलते हैं इन डिक्लिनेबल वर्ड्स, ठीक, इंडिक्लिनेबल वर्ड्स इसको बोलते हैं अव्यय। अव्यय के अगर मैं अभी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ऐसे उदाहरण अगर मैं दूं आपको तो याद रखना, जैसे तक मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसमें मिलेंगे, बस मैं आपको एक तरह से आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे तक, साथ, ही, तो, सो, जब, तब, श्री, जी, ठीक है ना, आदि, ये सब जो होते हैं अव्यय सदा पृथक अलग ही लिखे जाते हैं। अब इसमें देखो पढ़ते बताता हूँ, ठीक है ना, पृथक लिखे जाते हैं, जैसे इसमें तक और साथ आदि अव्यय हमें सब अलग लिखे जाए। जैसे कि देखो यहां तक अलग हो गया, आपके साथ अलग हो गया, ठीक, आ ओ आह, ए ही तो भी ना, जब तब सब, यहां वहां कहां सदा क्या, श्री जी तक भर मात्र साथ की, परंतु मगर लेकिन चाहे या अथवा तथा तथा आदि। आप देखेंगे मतलब एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं छोड़ा जो कि आपको अव्यय से अवगत होने से बचा सके। आई होप आपको अवगत इनडिक्लिनेबल वर्ड्स पता लग गए। लिख ले बेटा, लिखोगे तभी याद रहेगा। और कुछ अव्ययों के आगे कारक चिन्ह भी आते हैं, जैसे कि अब से, ठीक, तब से, यहां से, वहां से। तो अव्ययों के आगे क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया। आप देखेंगे सभी के आगे अव्यय जो है और अव्यय के आगे कारक चिन्ह भी जुड़ रहे हैं। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए, ये याद रखना, ठीक। जैसे आप ही के लिए, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया ही और ये हो गया इनसे अलग, इनसे भी अलग। मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, 50 रुपए मात्र, ठीक है। आगे बढ़ते जी, क्या आ गया आपका, ये अनुस्वार आ गया। अनुस्वार आपने पता ही होगा, ठीक है ना, पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, जो बिंदी 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 जो है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। संस्कृत शब्दों का अनुस्वार अन्य वर्गीय वर्णों से पहले यथावत रहेगा। जो आपके संस्कृत वाले शब्द है ना, तत्सम शब्दों की बात कह रहे हैं, जैसे कि संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, कंस और हिंस, ठीक, इसमें क्या रहेगा, सब में आपका आपका अनुस्वार फिक्स रहेगा, ठीक है ना। आप इसको, मतलब मेरा मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो तत्सम शब्द है, एज इट इज, उसमें अनुस्वार रहेगा और रहेगा ही। अब देखेंगे इसको। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण, पंचम वर्ण आपको पता ही होगा, सिंपल है ये, तो आपने जब पढ़े होंगे, ठीक है, मैं बना देता हूं, इनको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, और ये आपका इस तरह से कुछ बनता है, या? और ये आपका नाका, और ये आपका एक नाका, और ये आपका एक माका, ये होते हैं आपके पंचमाक्षर के बाद, ठीक है, लिख लेना सभी, के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो। अब शेष चार वर्ण क्या बचे, वही क, ख, ग, घ, ठीक है ना, और हर एक वर्ण का, यानी कि क, च, ट, प, त का एक एक वर्ण, यानी कि इनके अलावा, ये तो पांचवे है ना, जो शुरुआती जो चार हुए क, ख, ग, घ, ठीक है ना, उनमें से ना, आप ये समझिए शॉर्ट में, उनमें से कोई वर्ण हो तो एक रूपता, ठीक, एक रूपता और मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुसार का प्रयोग करना चाहिए, समझ गए। जैसे कि देखो पंकज में किया, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, ठंडा, संत, संध्या, मंदिर और संपादक, संबंध आदि, ठीक है ना, मेरा, यानी कि आप इसको, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए, मान लीजिए मुझे चंचल लिखना है, ठीक, तो आप चंचल को आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ए, इस तरह से, है ना, यानी कि ये चा वर्ग का आपको देखेंगे, ठीक है ना,
तो ये चा वर्ग का आपका पंचमा अक्षर है, तो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो पंकज है, ठीक है ना, तो पंकज में प प भ म म ङ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पंकज को ऐसे लिखेंगे, ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर इस गलती को ठीक करने के लिए आपको यहां ऊपर सब जगह पर क्या लगाया आपने, अनुस्वार की बिंदी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के अनुरूप में परिवर्तित नहीं होगा। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, लिख लो बेटा, ठीक। तो बिल्कुल भी वो अनुस्वार में नहीं बदलेगा। कब? जब पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक। जैसे ये तो पंचमाक्षर ही है ना, ये देखिए जो भी आपको मैंने लिखे थे ये सब पंचमाक्षर है, ठीक, ये और ये वाला, ठीक, पंचमाक्षर है। ये आपको ना जो लग रहा है ना, ये इस तरह का है, ठीक, अधूरा है ना, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें जो है क्या नहीं लगेगा, इसमें अनुस्वार नहीं लगेगा, ये एज इट इज लिखे जाएंगे। आगे देखिए, पंचम वर्ण यदि द्वित्व के रूप में जैसे दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट का नियम है, जैसे कि अन्न, सम्मेलन, सम्मति आदि, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको इस तरह से लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक, नहीं लिखेंगे। आगे देखिए कि हिंदी उर्दू से गृहित जो वहां से लिए गए शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए नासिक्य व्यंजन को पूरा लिखा जाना अच्छा, मतलब पूरा लिखना ही होता है, ठीक है। जैसे कि लिमका, तनखा, तिनका और तमगा और कमसिन, समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ये पूरा ही लिखना है। नीचे आ जाते हैं हम कि संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म का सूचक होता है, जैसे कि अहम, एवं, परम और शिवम, ठीक, ये ऊपर बिंदी है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें ये म का सूचक होती है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, बहुत जब हम डीप पढ़ते हैं तो फिर बेटा बहुत डीप हो जाता है, क्योंकि आपको फिर एक एक छोटी छोटी बात का भी ध्यान आपको देना है, और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है यदि आप उसको छोड़ देंगे तो आप देख लीजिए कि आपके 20 में से एक 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 नंबर कम होगा, तो आप कितने कितने पीछे पीछे हो जाएंगे। यानी कि हर एक सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जितना इंपॉर्टेंट बाकी सब्जेक्ट नौकरी लेने के लिए, ठीक है। तो मात्र पढ़ना नहीं है आपको, आपको सीखना है और लंबे समय तक याद भी रखना है। इसलिए आप वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखें, 50 बार देखें। अब बात करते हैं हम अनुनासिकता चंद्रबिंदी की। तो चंद्रबिंदी की आपको पता ही है, ठीक है ना, हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग अनिवार्य है, उचित ढंग से, यानी कि हर जगह, ऐसा नहीं कि आप जहां कहां भी लगा दें। अनुनासिकता व्यंजन नहीं है, यह याद रखना, ठीक, ये आपका व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनि गुण है, ठीक, ये आपको है, ऐसे ही आपको ये एक्चुअली लिखी है कि किसी प्रश्न में एज इट इज पूछी थी, फिल इन द ब्लैंक्स करके, ठीक है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, जैसे कि आ, उ, ए, मा, उ, आए, ठीक, तो अंदर से हवा नाक से आएगी। चंद्रबिंदु के बिना प्राय अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे कि हंस और हस, अंगना और अंगना, स्वांग और स्वांग आदि में, ठीक। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, किंतु जहां विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ, ठीक। चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई, और चंद्रबिंदु के स्थान पर भी बिंदु का अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किसी प्रकार का उत्पन्न ना करे, वहां चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट रहती है, ठीक है। यानी कि कहीं पर जैसे कि मान लीजिए इनकी बात कह रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर अगर मान लीजिए नहीं, हाँ, तो अब इसमें मान लीजिए अब यहाँ पे वो टाइप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो
तो उस भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पर हमने क्या दे दिया, मात्र बिंदु दे दी है, तो इसको वैसा ही माने। ठीक है, तो चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या दे दी है, बिंदु दे दी है। आगे बढ़ते हैं। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्र बिंदु का यथा स्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों को प्रवेशिकाओं में जहां चंद्र बिंदु का उच्चारण अभीष्ट हो वहां मोटे अक्षरों में उसका यथा स्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए, जैसे कि कहां, हंसना, आंगन, सवारना में आदि में नहीं आदि। ठीक, तो यानी कि जब जो चीजें बताई जाती हैं तो उसमें थोड़ा सा आप उसको बोल्ड करके आप उसको बता सकते हैं कि यहां पर ये शब्द जो है इसमें चंद्र बिंदु ही आएगा। ठीक है, तो आपको मतलब ये समय समय पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो आपको धीरे धीरे समझानी है वो सब चीजें। आगे देखते हैं विसर्ग का प्रयोग कैसा होता है। संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे कि दुखानुभूति। यदि उस शब्द में तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे कि दुख और सुख के साथ ही। ठीक है, तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अतः, पुनः, स्वतः, प्राय, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः। ठीक है, यानी कि मतलब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक, दुस्साहस और दुस्साहस निशब्द निशब्द के उभय रूप मान्य होंगे, इनमें द्वित्व वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। ठीक, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो विसर्ग वाले शब्द है, ठीक है, तो इसमें इस वाले को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि ये दोनों शब्द ही ठीक हैं, बट जो किताबों में चलता है वो अगर ये वाला भी है तो इसको भी मान्यता प्राथमिकता दी जाए। निस्तेज और निर्वचन निश्चल आदि शब्दों में विसर्ग वाला रूप निस्तेज और निर्वचन और निचल ना लिखा जाए, समझ गए। तो बिल्कुल ये एज इट इज, आपको कुछ मतलब ऐसे ना विसर्ग वाले हैं और कुछ विसर्ग वाले नहीं है, ठीक है ना। जब आप इनको ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, तो वो ठीक है, बट जब आप इनको, ये तो तत्सम शब्द हो जाएंगे, ठीक है, पर आप इनको जब आप लिखेंगे, ठीक है, जो विसर्ग वाले शब्द है जब इनको अलग अलग करेंगे तब इसमें विसर्ग आएगा, बट जब इनको एक साथ लिखेंगे तो ये आपको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, ये आपको इस तरह से नहीं लिखना। चलो तो एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं और पार्ट बी में मैं इसको आपको थोड़ा सा और आगे बताएंगे, तो पार्ट वीडियो 2 की वीडियो आप देखेंगे बाद में।